और ये एलन की मेन बिल्डिंग है। यहाँ आकर लैंडमार्क सिटी खत्म होती है। इधर भी कई सारे हॉस्टल बने हुए देख रहे हैं आप, काफ़ी सारे शॉप वगैरह शोरूम खुले हुए हैं। यहाँ बद्रीनाथ की दुल्हनिया मूवी की शूटिंग हुई थी जिसमें आलिया भट्ट और वरुण धवन का जो सॉन्ग है वो यहीं शूट हुआ था। जो बोटिंग करते हुए सीन आपने देखा होगा वो यहीं का था, केएसटी का। बैठते ही आलिया भट्ट हमारे आगे थी और जो बस थी वो इसी रोड से गुजरती है और जो वरुण धवन बस में से उतरता है वो सीन भी यहीं शूट किया गया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज मौसम काफ़ी शानदार है, ठंडा ही है एकदम, कोई धूप वूप नहीं है। तो मेरे को अभी जाना है एक कैमरा देखने के लिए, बालिता रोड जाना है मेरे को। फटाफट से चलते हैं और देख के आते हैं। ये दशहरा ग्राउंड है, यहीं कोटा का दशहरा मेला भरता है हर साल, बट पिछले 2 साल से नहीं भर रहा है। मेरी लाइफ में ड्यूटी लगती थी यहाँ पे, टीवी पे जो ब्रॉडकास्टिंग होती है वो मैं ही ऑपरेट करता था, तो 2 साल से नहीं आ रहा हूँ यहाँ पे, बड़ा मिस कर रहा हूँ। ये गढ़ पैलेस के फ्रंट है, यहीं से अंदर की तरफ एंट्रेंस का रास्ता है, यही मेन एंट्रेंस है जहाँ से अंदर जाते हैं। और म्यूजियम भी है, ये चौराहे पे मस्त पुरानी तोप रखी हुई, पता नहीं कितनी पुरानी तोप है। तो ये जो नया वाला ओवर ब्रिज है ये निकलेगा नानता की तरफ, हमने आपको कोटा विराज नज़र आ रहा होगा, यही वो ब्रिज है जो सगतपुर की तरफ लेके जाएगा अपन को। तो चलते हैं, आज आपको दिखाते हैं लैंडमार्क सिटी के कुछ नज़ारे और देखते हैं क्या हाल है जब लॉकडाउन पर बच्चे नहीं है। तो और हमें आगे जाके लेफ्ट लेना। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे हॉस्टल बने हुए हैं। यही लैंडमार्क सिटी का मेन एंट्रेंस है जहां से हम एंटर हो रहे हैं और ये कई सारे बड़े बड़े हॉस्टल्स बने हुए हैं और काफ़ी हॉस्टल्स का काम चल रहा है अभी। और ये एलन की मेन बिल्डिंग है, सम्यक नाम की बिल्डिंग है और यहाँ क्लासेस चलती हैं। टोटल हॉस्टल्स बने हुए हैं आगे वाले एरिया में। और कुछ हॉस्टल्स इधर बने हुए हैं, हॉस्टल के साथ साथ एक और बिल्डिंग है एलन की, वहाँ भी मैं दिखा के लाता हूँ। ये पूरा हॉस्टल है और जब स्टूडेंट्स होते हैं तो ये एरिया खचाखच भरा होता है। भैया अभी स्टूडेंट्स हैं नहीं, उसकी वजह से इतना सन्नाटा पड़ रहा हुआ है। आप देख सकते हैं कई सारी शॉप कई सारे शोरूम खुले हुए हैं और टोटल जितने भी बिल्डिंग हैं ये सब हॉस्टल्स हैं। और यही वो एलन की दूसरी वाली बिल्डिंग है जहाँ क्लासेस लगती हैं। यहाँ आकर लैंडमार्क सिटी ख़त्म होती है। इधर भी कई सारे हॉस्टल बने हुए देख रहे हैं आप, काफ़ी सारे शॉप वगैरह शोरूम खुले हुए हैं। एलन की 2 कोचिंग की बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे और इतना बड़ा एरिया बना हुआ है, ये पूरा एरिया उन्हीं कोचिंग पर डिपेंड है। अब हम चलते हैं उस भाई के पास जहाँ से मेरे को कैमरा लेना है, कैमरा लेके हम निकलेंगे सीधा घर। ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, मैंने इन भैया की बात करा दी, उन्होंने बता दिया। और अभी यहाँ से सीधे चलना है, फिर पेट्रोल पंप वाला चौराहा पार करके इसके बाद वो एरिया आएगा। दो खंबा किधर है, 2 खंबा सीधा। रोड की हालत ख़राब हो रखी है, देख लो। उस भाई को फ़ोन लगाया जाए और बुलाते हैं यहीं पे। पहले तो मैं पानी पी लेता हूँ, बड़ी प्यास लग रही है यार। मैं बस पानी की बोतल कैरी करता हूँ। कैमरा मैंने ले लिया है, घर जा रहा हूँ अभी कैमरा लेके। ये नयापुरा से जो मस्त चंबल दिखती है, नयापुरा ब्रिज पे हूँ मैं इस वक्त। तो मैं आया था कुन्हारी वाले रास्ते से, अब जाऊँगा नयापुरा वाले रास्ते से। ये नयापुरा ओल्ड वाला ओवर ब्रिज है सामने वाला। नयापुरा पे भी कुछ काम चल रहा है, अलग ही चीज़ बन रही है यार यहाँ। होता ना उस लाल पत्थर वाला काम है, वो बन रहा है। ये बिल्डिंग बन चुकी है, सामने वो कुछ स्ट्रक्चर बन गया है। जितने भी ये फ्रंट वाले जो मकान है ये सब लाल पत्थर से बनाए जाएंगे, न्यूज़पेपर में भी दिया था। अभी चलते हैं आगे देखते हुए कि क्या क्या डेवलप हो गया। वैसे मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ तो मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ ये चीज़। तो इस तरह का कुछ बना दिया ये स्ट्रक्चर। ये रोड केएसटी की तरफ जाता है सीधा। जब आप नयापुरा से आते हैं केएसटी के लिए तो इसी रोड पर होकर जाते हैं और देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। यहाँ बद्रीनाथ की दुल्हनिया मूवी की शूटिंग हुई थी जिसमें आलिया भट्ट और वरुण धवन का जो सॉन्ग है वो यहीं शूट हुआ था और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी उस वक्त। केएसटी पे भी शूट किए गए थे कई सीन। जो बोटिंग करते हुए सीन आपने देखा होगा वो यहीं का था, केएसटी का। बैठते ही आलिया भट्ट हमारे आगे थी। ये भैया हमको बोले कि थोड़ा फास्ट चलाओ। और हमारी जेट्स की अगर ऐसी थी। उसके बाद 7 वंडर्स पे शूटिंग हुई थी। जो बस वाला जो सीन है, मैं उस वक्त यहीं था और जो बस थी वो इसी रोड से गुजरती है और जो वरुण धवन बस में से उतरता है वो सीन भी यहीं शूट किया गया था। कोटा में काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। ये जेडीबी गर्ल्स कॉलेज है, सामने रोड का काफ़ी काम हो चुका है और यहाँ ओवरब्रिज भी बन चुका है, अंडरपास का भी काम चल रहा है और अंडरपास का काम अभी चल रहा है, ये तो तैयार भी हो गया। गाड़ियाँ भी गुजरना शुरू हो चुकी हैं यहाँ से। तो अंटागढ़ से जो सेंट्रल जेल की तरफ रोड जाता है वहाँ से ये अंडरपास बना। अंडरपास के ऊपर से ये ब्रिज है जो जेडीबी से शुरू होकर और स्टेशन की तरफ जाता है। मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ, काफ़ी टाइम बाद आना हुआ इधर। मस्त बन चुका है यार। कोटा में डेवलपमेंट ज़रूर अच्छे हो रहे हैं हर जगह। ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाएगी। तो काफ़ी सही बन गया यार। रोड जो है वो ट्रैफिक फ्री हो जाएंगे। सामने पुलिस वाले चालान काट रहे हैं लोगों के, क्योंकि लोग रॉन्ग साइड जा रहे हैं। कहीं ने तो हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ, तो बेचारे वो बता रहे हैं इंडिकेशन करके कि उधर से जाओ उधर से जाओ। अब रोड खुदे पड़े हैं तो लोगों को मालूम नहीं है कि किधर से जाना है रास्ता, थोड़ा सा घूम के जाना पड़ रहा है। हेलमेट तो लगाना चाहिए यार, सेफ्टी के लिए होता है। अब चलते हैं भाई घर को। हमने कैमरा स्टार्ट किया और ट्रेन भी आ गई। वाह वाह वाह। ये वाला जो रोड है ना, यहाँ से ये कुछ अंडरपास डाला हुआ है। कार और बाइक सीधी ठेकड़ा रोड तक पहुंच जाएंगी, उसके लिए एक शॉर्टकट है शायद। और ये सामने आलू वालिया मॉल है जो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। कैमरे वाला काम भी निपट चुका और वहाँ से आके मैं नमाज़ पढ़ने चला गया था। तो अब थोड़ा सा पेट पूजा कर ली जाए। मैं मिलता हूँ आपसे खाना खाने के बाद। बहुत तिखी थी यार, लग तो नहीं रही थी इतनी। इसमें मैंने चॉकलेट उड़ा के रखी हुई है, वही खा लेते हैं। खुद सेम सेम बचा कर रखी थी, थोड़ी सी खा के अब काम आ रही है वो। तो खाने के साथ मैंने हरी वाली मिर्ची खा ली। शौक में खा तो गया लेकिन तीखी थी भाई। तो अब हम इस कैमरा को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये है कुछ M50 के रिजल्ट आउटडोर पर। मैं अपने रूफटॉप पर और इंटरनल माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वाइड है 15 mm पे, काफ़ी वाइड एंगल मिल रहा है देखने को। लो लाइट पे भी चेक करेंगे इसकी वीडियो क्वालिटी और फोटोग्राफी। फोटो मेरे को इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। मतलब प्रॉपर फोकस नहीं हो पा रहा फोटो पे। शायद ही मैंने UV फिल्टर लगा रखा है आगे, उस वजह से हो रहा हूँ। रूम में सिर्फ एक सिंगल ट्यूबलाइट चली हुई है तो लाइटिंग ऑब्वियसली कम लग रही है मेरे को, खुद को डिस्प्ले पे देखने में कम लग रही है। अभी इस पे माइक लगा के टेस्ट करते हैं। बोया का मेरे पास लेवलियर माइक है, माइक लगाते हैं इसके अंदर और फिर देखते हैं ऑडियो किस तरह का कैप्चर हो पाता है। यहाँ साइड में इसका माइक जैक दिया हुआ है तो माइक मैंने लगा दिया है और अभी यहाँ से इसको ऑन कर देते हैं। इस माइक की खासियत ये है, बस इसको सेल लगा रहता है इसमें। जब भी कैमरा में डालते हो तो यहाँ से ऑन करना पड़ता है। अभी जो अगला वीडियो देखोगे आप वो कैमरा के थ्रू देखोगे। हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हाँ जी, तो ये जो ऑडियो अभी आप सुन रहे हैं, मैंने बोया का माइक लगाया हुआ है। काफ़ी ऑयली स्किन हो रही है। मैं बाहर से आया हूँ अभी और आते ही मैं कैमरा चेक करने बैठ गया। और ये इनबिल्ट माइक्रोफोन है। कैमरा है मैनुअल मोड पे, इमेज क्वालिटी चेक करने चल गया आउटडोर पे। हाँ जी, तो ऑटो मोड पे है, फोकस ठीक से कर रहा होगा। लाइटिंग कंडीशंस ये अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है, देख सकते हैं। लो लाइट में चेक करते हैं चल के। और लाइट में आते हैं, लाइट में आते ही वापस थोड़ा सा देखेंगे, एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है। आज का दिन भी बड़ा बिजी निकला। अभी फटाफट से मैं खाना खा लेता हूँ और उसके बाद चलेंगे पार्क में जहाँ सब लोग मिलेंगे। और इस व्लॉग को हम यहीं क्लोज करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। साइनिंग ऑफ आमिर खान व्लॉग्स।